फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन का आपको ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको सेटिंग पेज में नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में भी आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको जो है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ये जो लिखा हुआ है ना, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है। ये सामने वाला बटन नहीं दबाना है आपको, इसके नेम के ऊपर ही आपको टैप करना है, ठीक है। आपका इस तरीके से पेज आएगा, इस पेज को आपको ऊपर करना है तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देता है अलाउ का, अलाउ पर टैप करना है। अब यहां पर आपको इस वाले पेज में दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में से आपको है ना पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टैप एक्सेसिबिलिटी बटन, ठीक है। इस बटन के सामने जो बॉक्स दे रखा है, इस बटन पर टैप करना है तो आपका ये राइट टिक लग जाएगा ना, आपको नीचे सेव का ये बटन टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये जो है ना इस वाले पेज में ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के सामने वाला बटन ऑन हो जाता है, और जैसे ये बटन ऑन होता है तो आपके फोन की स्क्रीन पर एक ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन आपको दिखाई देता है। तो ये बटन आपकी फोन की स्क्रीन पर देखिए सभी जगह आपको दिखाई देगा, इस बटन का आप कभी भी किसी भी वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन है ना, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। आपका ये छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज को आपने लेफ्ट और राइट कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है पावर का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे क्या होगा आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका फोन इस तरीके से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका। तो इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में यूज करके देखिए, ठीक है।